हेलो बच्चों, मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन माय चैनल भगवती इंग्लिश क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं आज आपको पास्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम आज पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, इसके रूल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। खूब अच्छी तरह से इसको हम समझेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इसे ध्यान से समझें, जिससे कि आपके सारे ग्रामेटिकल जो है समस्याएं दूर हो जाएं। आप ग्रामर में इसका भरपूर यूज कर सकें, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश में भी इसका कन्वर्जन कर सकें, और इंग्लिश स्पीकिंग या प्रोनाउंसिएशन में भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत लाभदायक होगा। तो आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से समझें, इसके रूल्स क्या हैं वो समझें, और इसको समझने से पहले इससे पहले का वीडियो भी देखें, क्योंकि जिससे आपको बेसिक समझ में आ जाएगा और वो सेंटेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, वो टेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, तो ये और आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रूल्स है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। रूल क्या है कि सब्जेक्ट से पहले वाज, मतलब आई सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले वाज लगेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, और उसके बाद नॉट लगेगा क्योंकि तो निगेटिव है। मतलब इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज, सब्जेक्ट आई या सिमिलर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उससे पहले वेयर, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये रूल है, मतलब सब्जेक्ट से पहले वाज वेयर, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा करके और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कुछ अदर वर्ड का यूज करेंगे जो बचेगा हमारे सेंटेंस में, और क्वेश्चन मार्क का लास्ट में लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, इसको शुरू से अंत तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि क्या मैं काम नहीं कर रहा था, अब मैं के साथ में आई के साथ में वाज लगता है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज आई नॉट, और उसके बाद करना का डू, तो डूइंग वाज आई नॉट डूइंग वर्क, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? क्या तुम कविता नहीं याद कर रहे थे, अब तुम के लिए वेयर लगेगा, बेयर यू नॉट, अब बेयर बर कुछ भी पढ़े जो आपको पढ़ते हैं, बेयर, बेयर यू नॉट लर्निंग, लर्न माने याद करना, बेयर यू नॉट लर्निंग ए पोएम, क्या आप कविता याद नहीं कर रहे थे, क्या वह कमरा नहीं साफ कर रही थी, तो वाज सी नॉट क्लीनिंग, क्लीनिंग द रूम, क्या वह कमरा साफ नहीं कर रही थी, क्या मोहन अपने गांव नहीं जा रहा था, तो वाज मोहन नॉट गोइंग टू हिज विलेज, क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वेयर द चिल्ड्रेंस नॉट, खेलना का प्ले तो हो जाएगा प्लेइंग, और इसके बाद आएगा क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या चिड़िया बाग में नहीं चहक रही थी, वाज द बर्ड, वाज द बर्ड नॉट चिरपिंग इन द गार्डन, ठीक है, क्या धोबी कपड़ा नहीं धो रहा था, वाज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ
क्या मोर खेतों में नहीं नाच रहा था? वाज द पीकॉक नॉट डांसिंग इन द फील्ड्स? क्या वह कविता नहीं लिख रहा था? Was he not writing? Was he not writing a poem? ठीक, क्या वह भोजन नहीं पका रही थी? तो was she not cooking food? आइए बच्चों देखें, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे थे? तो हम प्लूरल है तो बेयर लग जाएगा, बेयर वी नॉट हेल्पिंग, हेल्प आने मदद करना, हेल्पिंग यू, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे थे? क्या तुम चोर को नहीं पकड़ रहे थे? तो वी आर यू नॉट कैचिंग, कैच माने पकड़ना, वी आर यू नॉट कैचिंग द थीफ? क्या वे तालाब में नहीं नहा रहे थे? वेयर यू वेयर दे नॉट बाथिंग इन द बाथिंग इन द पॉन्ड? क्या सूरज पूरब में नहीं चमक रहा था? Was the sun not shining in the east? ठीक है, क्या आज वर्षा नहीं हो रही थी? Was it not raining today? क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे थे? उड़ रहे थे, यहाँ प्लूरल है, बहुत सारे हैं तो इसलिए वेयर लग जाएगा, वेयर द बर्ड्स नॉट फ्लाइंग इन द स्काई? क्या वह अपनी फसल नहीं काट रहा था? Was he not cutting his crops? क्या मैं मैदान में नहीं दौड़ रहा था? Was I not running इन द ग्राउंड? क्या वे गाना नहीं गा रहे थे? वेयर दे नॉट सिंगिंग सिंगिंग ए सॉन्ग? क्या हम शोर नहीं मचा रहे थे? तो बियर बी नॉट मेकिंग ए नॉइज ठीक है, क्या डाकिया पत्र नहीं ला रहा था? वाज द पोस्टमैन नॉट ब्रिंगिंग ए लेटर? क्या गाय खेत नहीं चल रही थी? बियर द काउच नॉट ग्रेजिंग ग्रेजिंग नॉट ग्रेजिंग द फील्ड?
क्या तुम कुर्सियाँ नहीं साफ कर रहे थे? तो वी आर यू नॉट क्लीनिंग वी आर यू नॉट क्लीनिंग द चेयर्स? क्या वह तुम्हें गालियां नहीं दे रहा था? वाज ही नॉट एब्यूजिंग टू यू? एब्यूजिंग यू या टू यू, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या बच्चा फूल नहीं तोड़ रहा था? वाज द चाइल्ड नॉट पल्किंग फ्लावर्स? क्या मैं दरवाजा नहीं बंद कर रहा था? वाज आई नॉट क्लोजिंग द डोर? क्लोजिंग शटिंग, क्लोजिंग द डोर। क्या लड़कियां पानी नहीं पी रही थी? वेयर द गर्ल्स नॉट ड्रिंकिंग वाटर? क्या वह तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा था? वाज ही नॉट वेटिंग ही नॉट वेटिंग यू या टू यू? वाज ही नॉट वेटिंग यू या टू यू, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। क्या वह दरवाजा नहीं खोल रही थी? वाज सी नॉट ओपनिंग द डोर? ओपनिंग द डोर। क्या पिताजी ऑफिस नहीं जा रहे थे? वाज द फादर, वाज फादर नॉट गोइंग टू ऑफिस? तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सेंटेंस था इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल में हमने क्या समझा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर लास्ट में बचे हुए शब्द या वर्ड की इंग्लिश को हम लिखेंगे। ये हमारा रूल था और यहाँ पर हमने 30 सेंटेंस आपको बताए हैं। तो आप सभी लोग खुद अपने आप इसी तरह के सेंटेंस को बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, नाउन प्रोनाउन को याद करें, वर्ब के तीनों फॉर्म याद करें और सभी शब्दों की इंग्लिश याद करें, जिससे आपको ट्रांसलेशन भी अच्छी तरह से आ जाए, इंग्लिश ग्रामर को फिलअप करना, इंग्लिश ग्रामर का करेक्शन करना भी अच्छी तरह से आ जाए। और चाहे आप बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सबके लिए बहुत यूजफुल है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।